वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई मिशन इन माइंड पर। मैं हूं अहमद अली, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनल ट्रेनर। आप हैं फ्रेंड्स? मैं एस एम हामिद हूं और मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे सोसाइटल इशू पे बात करने वाले हैं जो करप्शन है। करप्शन एक ऐसी चीज़, ऐसा सोसाइटल इशू जिससे कि पूरी गवर्नमेंट, पूरा देश परेशान है। करप्शन ऐसे टाइम पे होता है जब कोई दो पार्टियां एक मॉनेटरी बेनिफिट के लिए इलेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस को अंजाम देते। अगर से मैं स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करूं मैं, तो ग्लोबल लेवल पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी बेस्ड, जो कि हर साल एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती। अगर से मैं 2019 इंडेक्स की बात करूं, तो हमारे इंडिया का पोजीशन 80 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। सो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे इंडिया में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें कितना करप्शन हो रहा। तो गवर्नमेंट खुद मानती है कि ये सब करप्शन हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की पार्लियामेंट जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बोल के लेके आई, जिसमें करप्शन का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके मॉनेटरी बेनिफिट या मटेरियल बेनिफिट के लिए काम करता। सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ करप्शन। अगर से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, एक दुकानदार आपको बिल देने से मना कर दिया, सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ करप्शन। अगर से कोई कंपनी है, उसको एक टेंडर पास करवाना है या फिर एक गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, वो नई गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो उस टाइम पे वो पब्लिक ऑफिशियल को पैसे दे के जो काम करवा रहे, इट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ करप्शन। सो फ्रेंड्स, करप्शन के को लेके जो है सो पब्लिक के दिल में कईयों सवाल उठते हैं कि जो है ना, करप्शन क्यों हो रहा है। इससे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जैसे कि हमारे को ही आता कि जो है बैठा हुआ वहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो बैठे हुए रहते, गरीब रहता या फिर उसके पास पैसे नहीं रहते, कम सैलरी रहती, उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होंगे, वो लोग करते बोलिए। हमारा तो मैक्सिमम लोग का, हमारे यूजर्स का भी तकरीबन लोग का वही सोच रहेगा, ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं। ओके अहमद भाई, आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट ओवर हियर कि जो है सो ना, ये लोग जो गवर्नमेंट सैलरीज कम है बोल के करप्शन कर रही है, सरासर गलत है ये। मेरा मानना ये है, अगर से मैं एथिकल प्रिंसिपल्स की मैं बात करूँ, तो एथिकल प्रिंसिपल्स में एक डायमेंशन, एक एट्रीब्यूट है इंटेग्रिटी। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आप दूसरों के सामने जो काम कर रहे, वही काम जब आपको कोई नहीं देख रहा, आप वही काम वैसे ही कर रहे आप, तो ये इंटेग्रिटी है, ये ईमानदारी। अगर से आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ, सपोज़ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो बोल रहा है कि जो है ना भाई, मैं ईमानदार हूँ, अगर से सामने वाली पार्टी जो है ना मेरे को खुशी से कुछ दे दिए, तो मैं ले लेता हूँ। मतलब कि रिश्वत तो रिश्वत है, खुशी से दियो या ज़बरदस्ती लियो, तो ये तो रिश्वत ही हो रही है, तो ये करप्शन है। सीधी सीधी बात है, ये करप्शन है ये। तो ये जो मैं सामने वाला दिया तो मैं खुशी से ले लूँगा, तो ये जो है ना, ये इंटीग्रिटी नहीं हो सकती है। देर इज़ नथिंग कॉल्ड पार्शल इंटीग्रिटी। तो ये पार्शल इंटीग्रिटी, या तो आप इंटीग्रिटी आपके पास है या नहीं है, ये एक है। तो फ्रेंड्स, हम करप्शन जो है ना इतना बोलते जा रहे, गवर्नमेंट इतना इसके ऊपर इतने लॉज लेके आ रही, क्या आपको मालूम है ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम? तो इसके, ये करप्शन की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ रहा, हमारी नॉर्मल लाइफ पे कितना असर पड़ रहा, ये शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इससे जो है सो ना, सबसे मेन चीज़ ब्लैक मनी जनरेट होती। आप जो है सो गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप पैसे दिए, आप जो है सो ना, आप ग्रास रूट लेवल पे 150 दिए, मगर बड़े बड़े लेवल पे हज़ारों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता, तो इससे क्या होता कि ये तो पेपर पे नहीं आया, सीधी सी बात है आपके जेब में जाएगा वो, तो ये ब्लैक मनी है। अब ये ब्लैक मनी अब किसी के पास जमा हो गई, अब फ़र्ज़ करो उसी टाइम पे इंडिया में महंगाई आ गई, प्याज 100 रुपए किलो हो गई, 200 रुपए किलो हो गई, तो ऐसे लोग जो है ना मार्केट में आके 200 क्या, मैं 500 है रुपए है तो भी मैं ख़रीद लेता हूँ। तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इस वजह से क्या होता, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाती। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर वो लोग अफोर्ड करते, तो वो लोग जो है ना हमारे 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 इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो लोग अपना फ़ायदा देख लेते, तो ये ब्लैक मनी का ये कॉन्सेप्ट आता, इन्फ्लेशन है। फिर दूसरी बात है, पब्लिक का भरोसा गवर्नमेंट के ऊपर से उड़ जाता, भाई बिना पैसे दिए हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है बोल के एक एक इम्प्रेशन आ जाता। और तीसरी बात क्या है कि जो है ना, जो भी करप्शन, जो भी ये ब्राइब्स रिश्वत लेने वाले हैं, उनको और बढ़ावा मिल जाता, नेक्स्ट टाइम अगर से मैं करूँगा तो बिना पैसे लिए मैं नहीं करूँगा। तो ये सब एक मल्टीफोल्ड इफेक्ट्स है करप्शन के। जी, एक कहावत है कि जो है ना, बुराई कितनी भी आगे चले जाए, कभी ना कभी तो जो है ना, सच्चाई की जीत होनी ही होनी है। तो
आप जितना भी उम्र भर जो है ना ईमानदारी की जो है ना नौकरी करें बोल के आप सबके सामने बोल दिए, आप रिटायर भी हो गए तो जो है ना जितने इतने लॉस है, इतने ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट के पास कि जो है ना आप कभी ना कभी पकड़े जाने वाले। हाल ही का एक एग्जांपल है, 17 जुलाई की बात है, इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़ थी कि जो है ना उसमें 3 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स और एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर, ये चारों लोग जो है ना सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्कैम में पकड़े गए, 4 लोग रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स। एग्जैक्टली, रिटायर हुए सो ऑफिसर्स, हम भी नहीं छोड़ दे, नहीं छोड़ दे। आप उम्र भर जो है ना जिंदगी ईमानदारी की जिंदगी जे बल के आप पोर्ट्रे करें जो प्रिटेंड करें, फिर भी जो है ना आप मर भी गए तो वो अलग बात है, आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, मगर जो है ना आपको वो लोग नहीं छोड़ने वाले। इतनी ट्रांसपेरेंसी है हमारे तेलंगाना की, अगर से मैं बात करूँ तो हमारे तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो है, विजिलेंस कमीशन वाले हैं, इनकी नज़र हर गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर रहती, आप कैसा कर रहे, कहाँ पे कितना पैसा ले रहे, सब की नज़र रहती, तो इन सब से आप बच नहीं सकते। बहुत अच्छी है जी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन सब के बीच में हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बहुत अच्छी बात पूछा है अहमद भाई आप। देखिए दोस्तों, हम जो है सो ना ग्रास रूट लेवल पे करप्शन को अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कम कर सकते हैं, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ सजेशंस दूंगा, आप ये वर्कएबल सॉल्यूशंस है ये। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है सो ना आप मेंटालिटी, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि जो है ना बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होने वाला है, ये सरासर गलत है। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी करप्शन को कम करने के लिए इतने सारे लॉज लेके आई, जैसे सिटीजन्स चार्टर एक्ट है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो इन सब का इस्तेमाल करके जो है ना आप ये करप्शन को रोक सकते हैं। ये सिटीजन चार्टर क्या है, मैंने तो कभी सुना नहीं, मुझे पहली बार सुन रहा हूँ जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? एग्जैक्टली, ज़रूर ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, सिटीजन्स चार्टर एक ऐसा एक लॉ है जो है ना गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करती है कि अपने डिपार्टमेंट के बाहर एक बोर्ड लगाएंगे सिटीजन्स चार्टर बोल के, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जो है ना हर डिपार्टमेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और क्या क्या चार्जेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल, आप मंडल ऑफिस गए, मंडल ऑफिस जाके आपको कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है तो कास्ट सर्टिफिकेट के इतने चार्जेस होंगे और इतने दिन में आपको ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में रहेगा, तो ये प्रोमिसेस गवर्नमेंट कर रही सिटीजन्स चार्टर के थ्रू। तो सबसे पहले हम आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, माइंडसेट चेंज होएगा जो है ना फिर हम जो है ना बदलाव ला सकते, तो इसके लिए हमें एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अब सपोज़ हमारे को पैन कार्ड निकालना है, पैन कार्ड के लिए लोग आज 200 रुपये भी देते, अगर से मजबूरी आए तो 500 रुपये भी देते, 1000 रुपये भी देते, मगर मैं आपको बता दूँ गवर्नमेंट फीस उसके लिए सिर्फ 105 रुपीस है, आई रिपीट 105 रुपीस है, 105 रुपये ओनली। एग्जैक्टली, 105 रुपये है इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। विदिन 2 to 3 hours अगर से आप अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करें तो विदिन 2 to 3 hours आपको ई पैन कार्ड आ जाता है, जैसा ई आधार होता है ना वैसा ई पैन कार्ड आपको 2 to 3 hours में आता है, आपका प्रिंट निकालो और कहीं भी सबमिट कर लो आप। अच्छी सर्विस है ये, मगर हम लोग यूज ही नहीं करते, ये वही लोगों को पैसे देते रहते हैं 1000 रुपये 500 रुपये, भाई हमारा पैन कार्ड जल्दी दियो, और 15-20 दिन 1 महीना फिरा के लास्ट में जो है कितने फोन करे बात लागे, जान दो भाई तुम्हारे लिए ये बात कर रहा था वो बात कर रहा था, बल्कि इतना टाइम लगा के देता है, हमारे पैसे और ज़्यादा रहते रहता है। देखिए आप खुद डिफरेंस देखिए कि 105 रुपये कहाँ और 500, 600, 1000 रुपये कहाँ पे, और वो टाइम कितना ले रहा है। आपको 2 to 3 hours में आपको ई पैन कार्ड आपके मेल आईडी पर, रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आ जाता। तो यही बोल के नहीं, गवर्नमेंट के कई सर्विसेज है उसका इस्तेमाल आप खुद घर बैठे बैठे कर सकते हैं, बस एजुकेशन की ज़रूरत है। यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस हैं कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना, तो इन सब का इस्तेमाल करके आप जो है सो इन कम से कम पैसों में करप्शन फ्री काम करवा सकते हैं। पासपोर्ट वाले तो याद आया मुझे, मैं जब इंटरमीडिएट में था, मेरा और मेरे भाई का पासपोर्ट बना रहा था, मैंने क्या किया, एक आदमी को पैसे दिया पर हेड पासपोर्ट ओनली एप्लीकेशन फिल करने के लिए 3500 रुपीज़ लिया, वो एग्जैक्टली 3500 रुपये पर हेड, दोनों के मिला के 7000 रुपये दिया मैं सिर्फ एप्लीकेशन फिल करने के लिए, जब मुझे पता नहीं था। रिसेंटली मैंने मेरी मम्मी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है, ओनली 1500 रुपीज़ लगे अहमद भाई, 1500 रुपीज़ ऑनलाइन, मुझे पता नहीं था। मैंने कैसे देखा, यूट्यूब की सर्विस है, हम यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट मोटिवेशनल बहुत सारी वीडियो देखते हैं, हम यूट्यूब पे सीख सकते हैं हाउ टू अप्लाई ए पासपोर्ट, हाउ टू अप्लाई ए पैन कार्ड, देख सकते हैं सेम प्रोसीजर मिल जाएगा, आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। मेरे मम्मी का पासपोर्ट आ जाए विद इन 15 days में ओनली 1500 रुपये में जी। तो ऐसे सर्विसेज है, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो है ना रिसेंटली मैं अपनी बाइक बेचने के लिए जब गया तो एक NOC सर्टिफिकेट मांग रहे थे वो लोग, तो NOC सर्टिफिकेट की वेबसाइट में मैं फ़ीस चेक करा तो 135 रुपये है, 135 रुपीज़, मगर मैं जो है ना
वहाँ पे जाके ऑफिस में जेरोक्स की दुकान में जाके वहाँ पे मालूम करा तो वो लोग उसी को वही सर्विस सेम सर्विस करने के लिए 1300 रुपए ले रहे, 1300 ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा उससे। तो इस तरीके से जो है ना पब्लिक को लूटा जा रहा है, करप्शन हर लेवल पे है करप्शन। तो एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको जो है ना एजुकेशन हम हासिल किए तो उसका इस्तेमाल भी करना और जिसको नहीं मालूम है उनकी मदद भी करना, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़, आप जो है ना बैंकिंग सर्विसेज का भरपूर इस्तेमाल करना कि जो है ना आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, IMPS, RTGS, नेफ्ट, जो भी है एक सॉलिड प्रूफ आपके पास रहता कि जो है ना कल के दिन कोई पार्टी आप मुकर भी गई कि मेरे पास पैसे नहीं आए तो आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट का प्रूफ रहता कि आप जो है ना कर सकते बिना किसी को पैसे खिलाए, बिना किसी को मीडिएटर को बुलाए। तीसरी चीज़ भाई फ्रेंड्स, अगर से आपका ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटा आपका तो आप ईमानदारी से जो है सो उसका पेमेंट करो आप, ना कि पुलिस स्टेशन जाके खामखा नेगोशिएट करो, सर फर्स्ट टाइम है, सॉरी सर नेक्स्ट टाइम नहीं करता मैं, ऐसा मत करो, टेक इट एज अ लेसन, आप आइंदा से गलती मत करो। और चौथी चीज़ है, आप दुकान में कभी भी गए तो पक्की बिल लेना मत भूलिए, क्योंकि वो बिल नहीं देने की वजह से वो टैक्स पे नहीं करता और ब्लैक मनी का एक्यूमुलेशन वहाँ पे भी होते रहता। और सबसे अहम बात, आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है। सपोज़ आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो आप एक प्रोसीजर होता है उसका, ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, फिर उससे पहले ट्रायल, ये सब प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, ना कि जैसा ना आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसे खिला के सब ये सब मत करो, आप जो भी है मेरे को लाइसेंस दे दो, जो भी है मैं दे देता हूँ, ऐसा मत करो मेहरबानी करके, ऐसा मत करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब कभी भी आप इलेक्शन के टाइम पर अपने लीडर को चूज़ कर रहे हैं तो आप केयरफुली जो है ना अपनी वाइस सेलेक्शन करो। कैसा कर सकते हैं बोले तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप जो भी आपके लीडर है उनकी पूरी प्रोफाइल रहती वहाँ पे, उनके करप्शन के केसेस कितने हैं, क्रिमिनल एक्ट कितने हैं, वो सब देख के जो है ना आप वोट दो, क्योंकि आपका वोट एक चेंज ला सकता है, एक रेवोल्यूशन ला सकता है इंडिया की गवर्नेंस में। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि अरे हमारे मम्मी जिसको वोट दिए, हमारे डैडी जिसको वोट दिए, हमारे दादा जिसको वोट दिए उसको ही देते, गए जाके एक ही चीज़ को वोट दिया, पूरा घर एक ही चीज़ को वोट दिया। नहीं तो थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जाके वोट भी नहीं डालते, मेरे एक वोट से क्या होता है बोलते, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, देखिए दोस्तों, एक फैक्ट है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कि जो है ना हम हमारे लीडर्स को हर लेवल पे डेमोक्रेटिक वे से चूज़ कर दें, हम जो है ना हम सेलेक्ट करके हमारे लीडर्स को हम खुद सेलेक्ट कर दें, तो एक एक वोट बहुत कीमती रहता दोस्तों। अगर से आपका वोट किसी गलत कैंडिडेट के लिए चला गया तो अब जैसे रिसेंटली स्कैम्स हुए थे फिर वैसे स्कैम्स रिपीट होते रहेंगे, तो मेहरबानी करके जब कभी भी आप कर रहे वोट कर रहे तो वाइस सेलेक्शन करके वोट दो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Stay tuned with us. जय हिंद, जय भारत।